everyone, a very warm welcome to my YouTube channel. मैं हूँ विम्पी और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक रिव्यू जो है वो शेयर करने वाली हूँ और रिव्यू किस बारे में होने वाला है ये शायद आपने टॉपिक से पता लगा ही लिया होगा. तो गाइस आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ वाओ के. यहाँ पर मेरे पास तीन प्रोडक्ट्स हैं. कुछ दिन पहले मुझे वाओ की तरफ से ये तीनों प्रोडक्ट्स जो है वो रिसीव हुए थे. एक्चुअली क्या है इस वीडियो में जो भी कुछ होगा कुछ भी पेड नहीं है, जो है मैं खुद अपने तरफ से ही बोलने वाली हूँ. मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. ऐसा कुछ नहीं है इस कंपनी ने मुझे कुछ ऐसे पैसे वगैरह दिए होंगे ये जो भी मैं बोलने वाली हूँ उसके लिए. तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो. मेरा चैनल जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा. बेल बटन जो है उसे ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि जब भी मैं कभी आगे कोई वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों को पता लग जाएगा और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे. तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करेंगे. तो गाइज़ यहाँ पर मेरे पास वाओ के तीन प्रोडक्ट्स हैं. पहला है शैम्पू, दूसरा है कंडीशनर और तीसरा यहाँ पर मेरे पास है हेयर मास्क. यहाँ पर मैं शुरुआत करूंगी हेयर मास्क से. ये है वाओ का एप्पल साइडर विनेगर हेयर मास्क. तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग के अंदर आता है और इसकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है. और ये है इसका इनर पैकेजिंग, इसकी कुछ इस तरीके से आती है और ये कुछ इस तरीके से खुलेगा. और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका कलर जो है वो वाइट है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल क्रीम जैसी है. जैसे कि आपको पता है जो हेयर मास्क होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं, क्रीमी होते हैं काफ़ी ज़्यादा. तो दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि ये वेरिएंट एसीवी वाला है और इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल एप्पल साइडर विनेगर जैसी होगी तो आप बिल्कुल गलत हैं. इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी है, बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू है. जब भी आप इसे अपने बालों में लगाएंगे तो आपको बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपके बालों में से स्मेल आने लग जाएगी एसीवी जैसी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो आप इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल मत डरिएगा क्योंकि जब ये प्रोडक्ट्स मेरे पास आए थे जब मैंने पढ़ा कि इस पर लिखा है एप्पल साइडर विनेगर तो मुझे लगा कि इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल एसीवी जैसी ही होगी. बट जैसे मैंने इसे स्मेल किया गाइस इनकी इन तीनों ही प्रोडक्ट्स की खुशबू जो है वो बहुत बहुत ही अच्छी है. दोस्तों इस हेयर मास्क में सबसे अच्छी जो बात है मुझे क्या लगी है, इसके अंदर पैराबेंस वगैरह नहीं है, सल्फेट नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है, सिलिकन्स वगैरह नहीं डाले गए हैं इसके अंदर. तो आप बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के इस प्रोडक्ट को अपने बालों पर इस्तेमाल कर सकते हैं. और गाइज इसके अगर मैं प्राइस की बात करूँ, इसका प्राइस है 499 रुपीज़. अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं ना तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर एक लिंक जो है वो मैंने दिया है. अगर उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप इन तीनों में से कोई एक प्रोडक्ट आप चूज करना चाहते हैं या फिर आप तीनों ही चीजें खरीदना चाहते हैं तो आपको उस लिंक में से थोड़ा हो सकता है डिस्काउंट मिल जाए. और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 200 ml की. 4 से 5 बार आराम से आपका लग जाएगा. मतलब मेरे बालों की लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो मेरे बालों की लेंथ के हिसाब से ये आराम से मेरे बालों पर लग जाएगा 3 से 4 बार. अगर आपके बालों की लेंथ छोटी है तो हो सकता है 5 से 6 बार भी ये आपके बालों में अप्लाई हो जाए. और गाइज इसके अंदर अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसके अंदर काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि प्योरिफाइड वाटर, अल्कोहल, ग्लिसरीन, आलमंड ऑयल, शिया बटर, स्वीट आलमंड ऑयल, काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि अभी मैं अगर आपको बताने बैठी तो शायद रात हो जाएगी. दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है ये क्लेम करता है कि ये आपके बालों में जो शाइन है और जो वॉल्यूम है उसे लेकर आता है, जो शाइन है उसे बिल्ड करता है, डैंड्रफ और इचीनेस को ये दूर करता है. गाइस सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों के दिनों में हमारे स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इचीनेस होने लगती है उसकी वजह से. पसीना तो खैर नहीं आता बट स्टिल बहुत ज़्यादा डैंड्रफ वगैरह हो जाता है, तो उसके लिए ये मास्क जो है बहुत ही अच्छा है. अब मैं बात करती हूँ मेरे एक्सपीरियंस की. गाइस जब मैंने इसे अपने बालों पर अप्लाई किया तो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी था, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अप्लाई हो गया, बहुत ही कम क्वांटिटी लगती है. मैंने इसे 2 बार यूज़ किया है और आप देख सकते हैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर. सिर्फ 2 बार मैंने इसे यूज़ किया और गाइस मुझे बहुत ही अच्छे इसके जो रिजल्ट्स हैं वो दिखे हैं अपने बालों में. काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो आता है आपके बालों में. और आपको इसे सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए अप्लाई करना है, आपके बालों पर रखना है, उसके बाद आपको अपना जो बाल है उसे वॉश कर देना है. बात करेंगे अब हम शैम्पू की. अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी जो है इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग के अंदर आता है और जैसे ही मैं इसकी बॉटल को खोलूंगी इसके अंदर
पंप पैकेजिंग का ये प्रोडक्ट मुझे दिखाई देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो पैकेजिंग है, इनर पैकेजिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि जो पंप वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो क्वांटिटी को हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली भी है। प्लास्टिक की बॉटल है, अगर नीचे गिर जाता है तो कोई भी नुकसान आपका नहीं होगा और आप इसे इजीली लॉक कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लॉक्ड है। जैसे ही मैं इसे इस तरीके से टर्न करती हूँ, इसको पुश, इसको नीचे की ओर हम पुश करेंगे तो इसमें से प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। इसके अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो सेम इसका जो प्राइस है वो है 499। क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो इसकी क्वांटिटी है 300 ml, जो कि बहुत सही क्वांटिटी है। आराम से आपका बहुत टाइम ये चल जाएगा। और यहाँ पर इस प्रोडक्ट पर लिखा हुआ है मेड विद 100% नेचुरल एंड रॉ हिमालयन एप्पल, और यहाँ इस बॉटल पर लिखा हुआ है मेड विद 100% नेचुरल एंड रॉ हिमालयन एप्पल साइडर विनेगर। मतलब इसे बनाने के लिए जो ACV यूज किया गया है, उसे बनाने के लिए जो एप्पल्स यहाँ पर यूज किए गए हैं वो काफी नेचुरल और रॉ है। इस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी पैराबेंस या फिर सिलिकॉन्स या सल्फेट्स वगैरह नहीं इस्तेमाल किया गया है। और गाइस, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है ये, ग्लूटेन फ्री है, 100% नेचुरल और वीगन प्रोडक्ट है ये। बात हो गई शैम्पू की बात है, अब हम आते हैं कंडीशनर पे। कंडीशनर हम सब जानते हैं कि कंडीशनर हम बालों को धोने के बाद जो है थोड़ी देर के लिए अपने बालों में इसे लगाए रहते हैं, गीले बालों में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो आउटर पैकेजिंग है वो है इस तरीके के पैक में, और इनर जो पैकेजिंग है सेम इसकी बिल्कुल शैम्पू की जैसी है, पंप बॉटल के साथ है और प्लास्टिक की बॉटल है। और इसका जो प्राइस है वो मैं आपको बता दूं, इसका प्राइस है 495 रुपीज़, और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 300 ml की। और इसके अंदर ये एक्चुअली एप्पल साइडर विनेगर वाला नहीं है, ये बनाया गया है ऑर्गेनिक वर्जन कोकोनट ऑयल के साथ प्लस एवोकाडो ऑयल के साथ। अगर आपके बालों में हेयर कलर वगैरह है तो फिर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो कंडीशनर है ये आपके बालों के लिए बिल्कुल सेफ है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। 300 ml इसकी क्वांटिटी है और इसके अंदर भी पैराबेंस, सिलिकन्स और मिनरल ऑयल नहीं है। आपके स्कैल्प का जो, आपके बालों का जो pH जो लेवल है उसे मेंटेन करके रखता है। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं जो कोकोनट ऑयल है वो हमारे बालों में बहुत ज़्यादा शाइन देता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की बनाता है। आपको इसे लगाना कैसे है, बहुत ही सिंपल है। गीले बालों में, जैसे कि शैम्पू करने के बाद जब आपके बाल गीले होते हैं उसे आप लगा लीजिए, 5 से 10 मिनट आप इसे रहने दीजिए और फिर उसके बाद आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए। बिल्कुल इसकी जो कंसिस्टेंसी बिल्कुल क्रीमी है, जैसे कि अभी मैंने आपको कंडीशनर दिखाया बिल्कुल वैसी ही कंसिस्टेंसी है इसकी, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। क्रुएल्टी फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, 100% वीगन है। तो गाइज, ये थे वाओ के 3 प्रोडक्ट्स, और वाओ के सभी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और मैंने आपको 3 का जो है अभी रिव्यू दिया है। मुझे ये 3 ही प्रोडक्ट्स जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं। तो गाइज, अगर आपको इन 3 में से कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदना है, अगर ये 3 ही अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिए गए हैं उन पर आप क्लिक करके इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं, आपको हैवी डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। लेकिन हाँ, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और घंटी वाले जो एक साइन है उस पर भी आप जरूर हिट कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी आप लोगों को पता लग जाएगा और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। मैं मिलूंगी आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।